के बाद मुझे एहसास हुआ माँ बनना खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों सारी दुनिया माँ माँ कहती है, जो तकलीफ माँ बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म तक उठाती है, वो तकलीफों को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पर जब वो अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठाती है, वो तकलीफें खुशियों में बदल जाती है। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब महित मेरे गर्भ में आया था, मुझे 2-3 बीमारियों का सामना करना पड़ा था। बट जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया, तब भी मुझे डिलीवरी के टाइम पे एम्ब्रिकल प्रोलैप्स का सामना करना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बाद जब महित मेरी गोदी में आया, तब वो खुशी को बयां करना बहुत मुश्किल है। और तब एहसास हुआ कि माँ बनना क्या होता है और कितनी तकलीफ़ों से माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, वो तकलीफ को बयां करना बहुत मुश्किल है। बट उस समय मेरी आज मदर्स डे है, मैं अपनी माँ के लिए भी, सासू माँ के लिए भी बोलूँगी कि उस समय पे जो मेरा साथ दिया है, वो साथ देना बहुत डिफ़िकल्ट था। उस समय मम्मी जी ने मेरे हर एक छोटी छोटी चीज़ों में साथ दिया, उनके साथ से आज मैं अपनी ममता का अनुभव कर पा रही हूँ। मैं अपनी सासू माँ को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी। थैंक यू। एक बेहतर शिक्षक के साथ साथ गृहिणी भी हैं, माँ भी हैं। हाँ जी। कैसे हो पाता है ये सारा चीज़? देखिए, संतुलन बनाना पड़ता है। परिवार अगर साथ देता है तो सब चीज़ हो जाती है। बच्चों का प्यार ये सारी चीज़ें मैनेज करवा देता है। फैमिली भी सपोर्ट करती है, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए दोनों चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। माओं को क्या कुछ कहेंगे? माओं के लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। माँ शिक्षक भी है, माँ घर भी संभालती है। हमारी फर्स्ट गुरु तो माँ ही होती है, वही हमें चलना बोलना सब चीज़ हमें वही सिखाते हैं, हमें संस्कार माँ से ही मिलते हैं। तो माँ के लिए तो कुछ वर्ड्स बोले ही नहीं जा सकते। माँ 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 ही होती है।